जाड़े का वक्त है, विंटर्स का वक्त है और अब हर चौथे व्यक्ति के गला चोक होगा, उसके गले में सोरनेस महसूस होगी, उसको कुछ निगलने में अटकापन गले में लगेगा। कहीं ना कहीं इसी स्थिति को फ्रेंजाइटिस कहते हैं और होम्योपैथी में फ्रेंजाइटिस की बहुत कारगर दवाएं हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे फ्रेंजाइटिस के विषय में। फ्रेंजाइटिस जो कि अब जाड़े आ रहे हैं उससे काफ़ी लोग परेशान रहेंगे। यह आपकी जो थ्रोट होती है उसके पीछे फेरिंग्स होता है, उसके इन्फ्लेमेशन की स्थिति को कहते हैं। इसको कॉमन भाषा में सोर थ्रोट भी कहा जाता है। यह बहुत कॉमन समस्या है और यह तमाम कारणों से हो सकती है। होम्योपैथी में इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवाएँ हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं फ्रेंजाइटिस होती क्या है। फ्रेंजाइटिस साथियों आपके थ्रोट के पीछे जो फेरिंग्स है उसके इन्फ्लेमेशन की स्थिति को कहते हैं। यह एक्यूट भी हो सकता है, यह क्रॉनिक भी हो सकता है। इसके सिम्टम्स के बारे में साथियों, सिम्टम्स फेरिंजाइटिस के आपको कफ होना, लगातार कोल्ड बने रहना, आपके गले में निगलने में कुछ अटकना, गले में भारीपन रहना, कसाव रहना, कभी कभी पेन होना, लिम्फ नोड्स गांठें बन जाना, यह सब तमाम फेरिंजाइटिस के सिम्टम्स होते हैं। आपका फीवरिश होना, यह सब सिम्टम्स होते हैं। कारण साथियों फेरिंजाइटिस के, फेरिंजाइटिस का कारण, सबसे मेन कारण जो होता है वो एडिनो वायरस होता है। वायरसेस इसका मेन कारण होते हैं, हालांकि बैक्टीरिया कारण भी हो सकता है। तो आपका कारण होता है कि आपको किसी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, आपको सोर थ्रोट हो गई, तो यह जो है वह फेरिंजाइटिस के कारण होते हैं, जिससे कि आपके फेरिंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। होम्योपैथी में साथियों बहुत कारगर दवाएं हैं फेरिंजाइटिस को ठीक करने की। आज हम आपको बताएंगे उन्हीं में से कुछ दवाएं, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से ही पूछ के लीजिएगा, एवं बिना कुशल चिकित्सक से पूछे कोई दवा मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफर पे, जिस पे आपको बताते हैं फेरिंजाइटिस को ठीक करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति फेरिंजाइटिस में आती है कि आपके थ्रोट बिल्कुल अंदर से लाल हो गया, जब आप टॉर्च से देखते हो तो थ्रोट बिल्कुल लाल लगता हो और उसमें बहुत दर्द महसूस होता हो। तो अगर वह स्थिति है कि आपके थ्रोट में रेडनेस सोरनेस आ गई और आपके पेन हो रहा है, तो उस स्थिति में फेरिंजाइटिस को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है बेलेडोना। बेलेडोना साथियों 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार तुरंत आराम देती है आपके फेरिंजाइटिस के दर्द में। जब आपके गले में कुछ अटका लग रहा हो, आप ठीक से खाने को निगल ना पा रहे हो, तो फेरिंजाइटिस की बहुत अच्छी दवा उस केस में बेलेडोना, यह आपको तुरंत लाभ देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि आपको फेरिंजाइटिस हुआ है लेकिन आपके थूक सलाइवा बिल्कुल नहीं बन रहा है, बिल्कुल ड्राई माउथ है और आपको फेरिंजाइटिस है। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है एल्यूमिना। आप एल्यूमिनिया 200 पावर में दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इस तरह के थ्रोट को ठीक करके आपको लाभ देगी। एक स्थिति साथियों फेरिंजाइटिस में आती है कि आपके थ्रोट में गले में अल्सर हो गए हों और वह बहुत पेनफुल हो। तो अगर आपको फेरिंजाइटिस की यह स्थिति है जिससे आपके गले में अल्सर भी हो गए हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है मर्क सोलिबिलिस। मर्क सोल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह आपके गले में फेरिंजाइटिस के केस में हुए अल्सर्स को ठीक करके आपको लाभ देगा। यह अल्सर कान तक एक्सटेंड कर जाती है अंदर कनाल में, तो मर्क सोल बहुत अच्छी दवा है जो आपको इस केस में रिलीफ दे दे। एक स्थिति साथियों आती है आपके गले में कि आपके गले में फेरिंजाइटिस है और सफ़ेद बलगम आपके बहुत निकल रहा है। तो अगर यह स्थिति हो कि सफ़ेद बलगम आपके निकल रहा हो, हर समय गले में एक कसाव रहता हो, तो उसको ठीक करने की बहुत प्रोमिनेंट दवा है फेरिंजाइटिस को ठीक करने की काली म्यूरेटिकम। आप काली म्यूर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपको खांसी आ रही तो खांसी भी खत्म होगी और साथ में आपका फेरिंजाइटिस भी खत्म होगा और आपके गले का जो भारीपन कसापन है वो भी रिलीव होगा और आपको आराम मिलेगा। यदि साथियों आपको राइट साइड फेरिंग्स में जो है अल्सर हो रहे हैं, फेरिंजाइटिस हो रहा है और आपको बहुत तकलीफ है, तो उस स्थिति में राइट साइडेड फेरिंजाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। आप लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके राइट साइडेड फेरिंजाइटिस को ठीक करके आपको लाभ देगी। फिर इसके कॉन्ट्रेरी एक कंडीशन आती है कि आपके लेफ्ट साइडेड
लेफ्ट साइडेड फ्रेंजाइटिस हो गया है। तो अगर लेफ्ट साइडेड आपके फ्रेंजाइटिस है तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में लैकासिस। आप लैकासिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ले लें, आप देखेंगे कि आपको तुरंत फ्रेंजाइटिस में आराम मिला। लैकासिस के मरीज की तकलीफें रात में सोने के बाद बढ़ती हैं, यह एक सिम्टम होता है, और उसके गले में नीलापन भी एक महसूस उसको हो सकता है कि हुआ हो। तो इस स्थिति की बहुत कारगर दवा लैकासिस है। एक स्थिति साथियों फ्रेंजाइटिस में आती है कि आपके फ्रेंजाइटिस हो और आपके गले में बलगम बहुत बन रहा हो, वो बलगम अंदर आपके थ्रोट के अंदर जा रहा हो। तो अगर यह स्थिति आपको है साथियों, तो इस स्थिति की फ्रेंजाइटिस जिसमें कि आपका स्पूटम अंदर गले में जाके आपको महसूस हो रहा हो, उस स्थिति की बहुत